दिल का टूटना और रिश्तों का बिखर जाना, संबंधों को तार तार कर देने वाली परिस्थितियां, सिचुएशंस कैसी भी हो, पर जब बात दिल पर आती है तो सब मुश्किल लगने लगता है। तो क्यों रोते हो, क्यों हो परेशान तुम इस बात के लिए, क्यों तुम इधर उधर भटकते हो, कि क्यों आप मुल्ला मौलवियों के चक्कर में पड़े हो? ये काम तुम अपने आप ठीक कर सकते हो। आज रात में बिस्तर पर सोने के पहले ये शब्द बोल देना, उसके बाद देखना कि आपका प्यार आपके हिसाब से चलेगा, आपका प्यार आपके कदमों में होगा, आपका प्यार आपके हिसाब से चलेगा, जो तुम चाहोगे होगा वही। अब नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर शादी चल नहीं रही हो, या शादी होने में दिक्कत हो, या लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो, तो इसका पूरा समाधान किया जाता है रिसर्च करके, उसका रिसर्च करके, उसके ऊपर पूरा का पूरा वर्किंग करके, और संवेदनाओं के साथ, फीलिंग के साथ आपकी मदद की जाती है और आपको जिताया जाता है। यानी जो भी आता है वो अपना प्यार लेकर के ही जाता है। देखिए कितना अद्भुत संसाधन है। आज मैं कह रहा हूं कि सोने के पहले यह शब्द बोल देना, आज मैं कह रहा हूं कि बिस्तर पर बैठकर यह बात बोल देना, आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा बिस्तर, तुम्हारी सैया, तुम्हारा जो आसन है वो अपने आप में सिद्ध होता है। रोज आप जिसके ऊपर शयन करते हो वो आपकी मैरिज लाइफ ठीक कर सकता है। रोज जिसको आप बहुत सारे घंटे देते हो, इतना टाइम आप किसी और चीज को देते ही नहीं जितना आप अपनी सैया को, अपने आसन को, अपने बेड को, और जहां पर आप शयन करते हो, सोते हो, विश्राम करते हो, स्लीप करते हो, जिसको आप इतना समय देते हो, उतना तो किसी भी चीज को समय नहीं देते। उतना समय ना आप काम को देते हैं, ना खाने को देते हैं, नहाने को देते हैं, किसी भी चीज को इतना टाइम नहीं देते, किसी भी साधना में इतना टाइम नहीं लगता आपको। ये भी एक प्रकार की साधना है। तो ये जो साधना स्थल है इसको आप समझते नहीं है, जबकि ये साधना स्थल पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है। आपको जब रात्रि में सपना आते हैं ना, तो वो एक तरह का इंडिकेशन है। स्वप्न इतना ज्यादा कारगर होता है कि आपको बिल्कुल सजीव दिखाई पड़ता है। जब आप सपना देखते हो तो आपको बिल्कुल सत्य जैसा दिखाई पड़ता है। और कितनी बार तो ऐसा भी होता है कि जो सपना तुम जैसा देखते हो वैसा हो जाता है। यह सपना मैं कहूं बिचारी, होई ही सत्य गए दिन चारी। यह सपना मैं कहूं बिचारी। ये सपना आपके अपने जीवन को श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं से उत्पोत करने वाला हो जाता है। इस प्यार को पाने के लिए तुम दिन रात एक कर रहे हो, उस प्यार को पाने के लिए सिर्फ 3 अक्षर का शब्द मात्र 7 बार बोलना है रात्रि में सोने के पहले। तो बस आपको अपने जहां आप विश्राम करते हैं अपने सोने वाले कपड़े पहन लीजिए, और जहां आप शयन करते हैं वहां जाकर के बैठ जाइए। अब करना यह है कि आपको अपनी ही तकिया अपने पैरों के नीचे दबा देनी है। आप कैसे बैठेंगे? अपनी जो तकिया है जिस पर आप रखकर, सर रखकर विश्राम करने वाले हैं, उस तकिए को आप अपने पैरों के नीचे दबाकर बैठ जाइए, पहला काम। दूसरा काम, जिस चादर को आप ओढ़ने वाले हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, बड़ी गहरी चीज आपको बता रहा हूं। जिस उसको चादर को आप ओढ़ते हैं, कम्बल को ओढ़ते हैं, या जो भी चीज आप ओढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका एक घेरा बना लीजिए अपने सामने, फ्रंट में उसको ऐसे बिछा लीजिए सामने, उसकी रस्सी जैसा बना के सामने ऐसा एक राउंड लगा दीजिए। पूरा राउंड नहीं भी हो पाए तो भी सामने भर का तो कम से कम कर ही दीजिए। उससे दो काम। अब जारी है आपका वो मंत्र, ओम आदत्रय आदत्रय आदत्रय, ऐसा बोलना है। लिखने में हम इसमें त्र और या दोनों इस्तेमाल करते हैं, बोलने में या बड़ा साइलेंट है इसलिए 3 अक्षर माने जाते हैं इसके।
तो आप इस मंत्र का 7 बार उच्चारण करिए पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ। आप देखिएगा एक अद्भुत शक्ति, एक एनर्जी, एक पावर आपके लिए वर्क करना शुरू करेगी। इसीलिए ये पूरी तरह से सिद्ध है, इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं आप। ध्यान और मेडिटेशन इसी का बहुत छोटा रूप है जो आप सहन करके सिद्ध कर रहे हो अपने आप को। ध्यान में भी सोना ही होता है बैठकर, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। जितनी भी शक्तियां ध्यान, योग, प्राणायाम, सिद्ध समास में है, वो सारी सिद्धियां तुम्हारे अपने सोने में है जो तुम रोज सोते हो। बस उसी शक्ति का आवाहन है आज। चूंकि जपात सिद्धिर, जो काम बार 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 रेगुलर कंटिन्यू किया जाए, जपात सिद्धिर न संशय, ऐसा कहते हैं। तो ये पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है, इसमें संशय नहीं है। इस सिद्धि को उपयोग करें और इसका इस्तेमाल करें। बहुत खुश रहिए, बहुत प्रसन्न रहिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए और हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। ओम नमः शिवाय।